हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बची हुई रोटी का एक स्नैक्स बनाने वाले हैं जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। आप ज़रूर ट्राई करें। कई बार क्या होता है, हमारी रोटी बच जाती है, फिर हम उसको फेंक देते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि बची हुई रोटी से कैसे एक बहुत ही यम्मी स्नैक्स बनाएं। हमने ये कुछ रोटियाँ ली हैं, अब हम इनको गोल करके कट कर लेंगे। पहले इनको हम अच्छे से राउंड कर लेंगे। राउंड करके बारीक बारीक हमें स्लाइस बनानी है। सभी रोटी को हमने कट कर लिया है। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। हमने थोड़ी सी वेजिटेबल ली हैं, ये थोड़ी सी हमने शिमला मिर्च ली है, एक हमने गाजर ली है और हमने थोड़ी सी पत्ता गोभी ली है और एक हरी मिर्च। अगर आप अनियन खाते हैं तो अनियन भी ले लें, या फिर आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है आप वो डाल सकते हैं। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, सबसे पहले हम हरी मिर्च डाल देंगे, शिमला मिर्च, अगर आप अनियन खाते हैं तो सबसे पहले अनियन डालनी है। अब हम ये गाजर भी डाल देंगे, पत्ता गोभी, अच्छे से भून लेंगे सारे वेजिटेबल को। एक चम्मच हमने विनेगर लिया है, ये ऑप्शनल है। दो चम्मच हमने सोया सॉस लिया है। दो तीन चम्मच हमने टमाटो केचप लिया है और ये सभी बच्चों को बहुत पसंद होता है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। एक चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर आप तेज खाते हैं मिर्च तो फिर आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हमने जो रोटी कट की थी हम रोटी डाल देंगे। हमारे पास रोटी ज़्यादा थी इसलिए हमने ज़्यादा रोटी ली हैं। अगर आपके पास दो भी रोटी हैं तो दो रोटी से भी आप ये स्नैक्स बना सकते हैं। हमारी ये रेसिपी हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी है, आप ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।